मोटर आई है और ये बहुत ज़्यादा दुखी कर रही है। 9 बजे तक चलते हैं, उसके बाद ख़राब हो जाती है। क्यों जी, सही बात है ना। 9 बजे बाद ख़राब हो जाती है, इसके भूत लग जाता है, 9 बजे के बाद ये नहीं चलती, तो क्या दिक्कत है, चलो चेक करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर वेल स्विच कैसे लगाएं? मुझे लगता है इस बात से भी ज़्यादा कहीं ज़रूरी है ये जानना कि आखिर इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर वेल स्विच लगाने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर कंपनियां ऑलरेडी क्लच लगा करके देती हैं। अब जब उसके अंदर क्लच पहले से लगा हुआ है तो हमें वेल स्विच लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? चलिए पहले इस बात को हम समझ लेते हैं। नंबर एक कि जब हमारे क्लच दोस्तों बार बार ख़राब होने लग जाए, यानी कि हम उसको कई बार बदल चुके हैं और वो मोटर बार बार हमारे क्लच को ख़राब कर देती है, तो ऐसे में आपको उसके अंदर बेल स्विच लगा देना चाहिए। और दूसरा रीज़न ये है कि जब आप अपने मोटर की क्लच को सेट कर रहे हैं और सेट करने के दौरान सेटिंग है वो सही से नहीं बैठ रही है, यानी कि जिस प्रकार से वो सेट होना चाहिए वैसे सेट नहीं हो रहा, तो ऐसे में उसको हटा करके आपको वहाँ पे वेल स्विच लगा देना चाहिए। और तीसरा रीज़न दोस्तों वेल स्विच लगाने का ये भी हो सकता है कि जब आप मार्केट के अंदर जाते हैं क्लच लेने के लिए, क्योंकि दोस्तों सभी कंपनियाँ अलग अलग टाइप के क्लच लगाती हैं, जो कि दोस्तों कई बार मार्केट के अंदर मिलता है और कई बार नहीं मिलता है। अगर आपको मिल जाता है फिर तो ठीक है, आप उसको सेट कर देंगे, ला करके लगा देंगे, लेकिन जब वो क्लच आपको नहीं मिलेगा तो मजबूरन आपको उसके अंदर कोई ना कोई उपाय करके उस मोटर को चालू करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम यही सब आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आपको अपने मोटर के अंदर क्लच के जगह पे वेल स्विच लगा लेना चाहिए जब आपका काम कहीं पे रुक रहा हो, फंस रहा हो, काम करना उस मोटर से जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपके साथ रामू प्रसाद और आप मेरे चैनल ऐसी सोल्यूशन पर। तो दोस्तों ये क्रॉम्पटन की 2 HP की मोटर है और इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसका जो क्लच है वो बार बार ख़राब हो जाता है। जो ये कस्टमर भाई साहब हैं इनका कहना है कि रोज़ दिन भर तो सही चलती है और रात के 9 बजे जो है कि ये मतलब अचानक से इसके अंदर से गूं गूं की आवाज़ आने लग जाती है और ये मोटर बंद हो जाती है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और इसको पहले आपको चेक करके दिखाते हैं कि आखिर क्लच इसका जो ख़राब हो रहा है वो क्यों ख़राब हो रहा है, यानी क्या कारण है इसके बार बार क्लच ख़राब होने का, क्योंकि 2 बार हमने भी इसका क्लच चेंज कर दिया है। ठीक है, तो देख सकते हैं इस प्रकार से इस मोटर को हम खोल लेते हैं, ओपन हो जाती है। अब इसके अंदर आप देखेंगे इसके जो ऊपर का जो ये बिंदी टाइप का होता है, ये ऊपर में ये प्लास्टिक जैसा रखा हुआ है, किसी किसी में फाइबर का रखा जाता है, इसके अंदर प्लास्टिक का कंपनी ने रखा है, ये बदला हुआ है, वैसे ओरिजिनल नहीं है, हैं। तो इसका जो ये गवर्नर है, ये गवर्नर इसके ऊपर लगता है। ठीक है, ये गवर्नर का जो प्लेट है ये इसके क्लच के ऊपर मतलब रगड़ खाती रहती है इसके ऊपर, तो इस वजह से ये जो कि दोस्तों गर्म होकर के पिघल जाता है। और देख सकते हैं इससे पहले जो जेन्युइन लगा हुआ था है, तो जेन्युइन वाला भी इसी तरह से कट गया है रगड़ रगड़ करके। तो दोस्तों ये वैसे तो इसके अंदर क्लच हमें लगा देना चाहिए था, दूसरा चेंज करके नया है, यानी कि बदल देना चाहिए था, लेकिन दोस्तों इसकी बार बार यही प्रॉब्लम आ रही थी है। तो हमने इनको बोला, क्योंकि कस्टमर कहता है कि भाई साहब हम जो है कि क्लच हम खुद ही लेकर के आएंगे तो आप मुझे निकाल के दे दीजिए, तो हम उसको निकाल के दे नहीं जा रहे थे। इतने में वो कहता, नहीं भाई साहब एक काम करो, कुछ ऐसा जुगाड़ कर दो जिससे कि हमारा काम चल जाए, हमारा काम जो कि करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके अंदर इस गवर्नर वगैरह को निकालने से अच्छा है, बदलने से अच्छा है कि हम इसको इसमें वेल स्विच लगा करके दे दें, क्योंकि दोस्तों वेल स्विच जो काम करती है वही आपका ये क्लच करता है कि एक बार लगता है, यानी कि मोटर स्टार्ट करके ये हट जाता है। तो दोस्तों इस वेल स्विच को भी हम इसी प्रकार से जैसे क्लच काम करता है कि हटता है लगता है, उसी प्रकार से हम वेल स्विच से भी काम में ले सकते हैं। तो किस प्रकार से इन सब का कनेक्शन किया जाएगा दोस्तों, अब हम पारी आती है इसकी, तो हम आपको ये बताते हैं कि किस तरह से ये कनेक्शन वगैरह किया जाएगा, कैसे हम मोटर को वेल स्विच से चालू कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस वायर को खोल लेना होगा यहाँ से। ठीक है, और ना भी खोलेंगे तो भी चल जाएगा, ये जो लाल वाली वायर है इसको केवल हटाना है आपको, क्योंकि उसको हटाए बिना आप कनेक्शन कर अगर कर देंगे तो उसमें जो कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसलिए आपको उसको हटा देना है। और इस तरह से देख सकते हैं हमने ग्रीस कंपनी का वेल स्विच ले रखा है, कंपनी मायने नहीं रखती है, किसी का भी आप ले सकते हैं। और आपको इस प्रकार से थोड़ा सा तार ले लेना है जो कि यहाँ से लेकर के क्लच से लेकर के आपका बाहर निकल जाए जहाँ पे आपको वेल लगाना है, ज़्यादा लंबा वायर नहीं लेना है। और उसको आपको अच्छे से छिल लेना है और छिल करके इसका आपको बना लेना है एक थिम्बल टाइप से। ठीक है, इसको आपको बल कर लेना है और थिम्बल टाइप से आपको बना लेना है। दोस्तों
किसी भी मोटर के अंदर मान लीजिए कि मान लीजिए चक्की की मोटर है उसके अंदर क्लच लगा हुआ है, कभी इमरजेंसी पड़ती है तो इमरजेंसी में आप इस तरह का काम कर सकते हैं। लेकिन आप ये कहेंगे परमानेंट मैं इसी तरह से चलाऊंगा, तो निश्चित है कि आपकी मोटर ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। कभी अगर किसी बंदे ने आपके अलावा कोई और मान लीजिए आप छुट्टी पर रह गए या किसी कारणवश किसी और ने इसको चला दिया तो ये मोटर गूं गूं करके थोड़ी देर के अंदर ही इसकी रनिंग भी फूक जाएगी और स्टार्टिंग तो खैर पहले ही ख़राब है इसके क्लच की वजह से। तो दोस्तों आप इस काम को इमरजेंसी में ले सकते हैं, इमरजेंसी के रूप में इसको आप काम में ले सकते हैं इस जुगाड़ को, इस तरीके को हैं, परमानेंट तरीके से आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम जो हमारी वायर है जो क्लच की आई हुई है क्लच के ऊपर मोटर के अंदर से, उसी के ऊपर सिंपल हमें इस वायर को जोड़ देना है, ज्वाइंट कर देना है और इस तार को दोस्तों बाहर निकाल देना है। हमें बाहर निकालने के लिए थोड़ा सा हमें वायर का इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि ऐसे डाल रहे थे तो नहीं जा रहा था अंदर, तो इस प्रकार से हमने तार में बांध करके तब हमने जब इसके अंदर डाला तो ये वायर हमारा यहाँ से निकल गया। तो आपको भी ऐसे ही जुगाड़ कर लेना है, अगर नहीं जाता है आपका निकलता बाहर तो देख सकते हैं। और ये वायर की अगर आप साइज़ पूछेंगे तो ये 1.5 mm की वायर है और कंपनी का वायर है जो कि लोकल वाले के मुकाबले 2.5 mm का होता है। तो कनेक्शन का दोस्तों इसका यही हिसाब किताब है कि आपको जो क्लच के ऊपर वायर आई हुई होती है रनिंग कैपेसिटर की और दो तार, एक होती है स्टार्टिंग की और एक होता है आपका मेन, तीन तार उसके अंदर लगी हुई होती है बड़ी मोटरों की, तो उसके अंदर आपको सिंपल जहां दो पॉइंट होते हैं क्लच के उसी के ऊपर आपको कनेक्शन कर लेना होता है। तो दोस्तों कनेक्शन वगैरह हो गया है, वायर हमारी बाहर निकल गई है, स्टार्ट लगा कर इस मोटर को हम फिट कर देंगे अच्छे से, चारों तरफ से ठोक ठाक करके इसको हम सेट कर देंगे। और कभी भी आप मोटर फिट करते हैं तो उसके ऊपर हल्के से आप पीछे से बैरिंग के पास में हल्की हल्की हथौड़ी मार देंगे तो मोटर पूरी तरह से फ्री हो जाएगी, नहीं तो हल्की फुल्की दब करके चलेगी बैरिंग के साथ में। वो तो देख सकते हैं मोटर हमारी फ्री हो गई है। अब दोस्तों इसको हम जो है कि बेल स्विच, ये जो पॉइंट हमने निकाला है इसके ऊपर हम लगा लेंगे। अब मोटर दोस्तों अंदर से जो चलेगी तो वहाँ पे चलने में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे अब वो चाहे पिघले चाहे निकले चाहे टूट के गिर जाए इससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, सिंपल जैसे कि स्विच हमने ले रखा है बेल का, घंटी वाला स्विच है, तो इसको आपको ओपन कर लेना है और ओपन करके इसके अंदर दो पॉइंट मिलते हैं आपको, उसके ऊपर आपको वायरों को दोनों को कनेक्ट कर देना है जो आपके बाहर निकले हैं अभी, ठीक है। इस प्रकार से आपको कनेक्ट कर देना है और इसको पैक कर देना है अच्छे से, हैं। और चलिए इसको अब हम आपको चेक करवा के दिखाते हैं। और चेक कहाँ पे करने के लिए आपको इसके अंदर जो मेन वायर है, इसके जो बेल स्विच लग गया इसमें तो आपको हाथ नहीं लगाना, बल्कि ये जो ऊपर में आपके दोनों वायर दिखाई दे रहे हैं, नीचे तो कैपेसिटर का ब्लैक वायर है और ऊपर में ये दोनों जो है ये मेन है, इधर वाला और इधर वाला, तो इसके ऊपर आपको मेन तार लगा लेना है। और मेन वायर लगाने के बाद में इसको आपको अच्छे से टाइट कर लेना होगा। बड़ी मोटर कोई भी आप चेक कर रहे हैं या कनेक्शन कर रहे हैं तो उसके अंदर आप वायरों को अच्छे से टाइट कर लीजिए, अगर लूज रहेगा तो वो पटाखा बोलता रहेगा। तो देख सकते हैं इसको करंट दे करके यहाँ पर मोटर को इस प्रकार से बटन दबाएँगे तो हमारी मोटर चल जाती है। देखिए जैसे हमारा क्लच काम करता है सेम उसी तरह से अब ये काम कर रहा है, हमारी मोटर दोस्तों चालू हो गई है। इस प्रकार से आप भी इमरजेंसी में अपनी मोटर को चालू करके अपने काम को निकाल सकते हैं, कोई भी परेशानी इसमें नहीं आती, लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं बल्कि टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए आप ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए मिलते हैं आने वाली आगे की और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय सियाराम।